गोफर्स की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी की बात सामने आई है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं कि आज कौन सी तकनीकी खराबी आ गई, क्योंकि आजकल ऐसा हर दिन ही हो रहा है कि अगर फ्लाइट टेक ऑफ करी तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है, उसको डाइवर्ट होना है, मतलब ऐसी खबर एक आम हो चुकी है। आज क्या मामला है वो पूरी बात बताएं। जी बिल्कुल, सेफ्टी को लेकर के लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन ताजा मामला गो फर्स्ट एयरलाइन के फ्लाइट G8151 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से गुवाहाटी फ्लाइट जो दोपहर तकरीबन 12:30 बजे इसको उड़ान भरनी थी, लेकिन बीच हवा में इस फ्लाइट को डायवर्ट किया गया जयपुर एयरपोर्ट के लिए। उसके पीछे वजह यह थी कि जो सूत्र बता रहे हैं कि विंडशील्ड क्रैक होने के चलते, जो आउटर विंडशील्ड होती है उसमें क्रैक होने की वजह से इस फ्लाइट को एहतियातन जयपुर की तरफ डाइवर्ट किया गया। फ्लाइट ने जयपुर में सेफली लैंड किया है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्न अराउंड की जो संभावना थी उसको इस वजह से इनकार कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली में मौसम ने मिजाज बदला था और उस वक्त वेदर फेवरेबल कंडीशन में नहीं था, लिहाजा फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। तो विंडशील्ड क्रैक एक बार फिर से इस तरीके की घटना सामने आई है। हालांकि अब ये फ्लाइट जो है वो गुवाहाटी के लिए टेक ऑफ जो करेगी, संभावित है तकरीबन शाम 5:30 या 6 बजे के आसपास ये गुवाहाटी पहुंचेगी, जो कि तकरीबन 4 घंटे की देरी से वहां पहुंचेगी। यात्री सुरक्षित है, लेकिन लगातार आप देखें तो 19 जुलाई को भी गो फर्स्ट एयरलाइन की ही 2 एयरक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के चलते वो फ्लाइट या तो फिर उसको डाइवर्ट किया गया या फिर उसको टर्न अराउंड किया गया, जिसकी जांच जिसे कर रहा है। तो ये बढ़ते मामलों के चलते एविएशन सेफ्टी और खासकर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठना लाजमी है, जिसकी तरफ से सरकार लगातार बैठकों के दौर और सख्त हिदायत के जरिए उसको पूरा करने के लिए और इस पर एहतियात बरतने की तरफ कदम बढ़ा रही है। थैंक यू समीर, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। खाने पीने की चीजों पर जीएसटी